नमस्कार, भारत उदय समाचार में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम बार बार आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को, ऐसे ही मदद करते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को बताइए शेयर करने के लिए, और दूसरों के व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करिएगा। आज का न्यूज श्यामा मंदिर दरभंगा से, यहाँ पर 1000 से ऊपर जो कन्या कलश यात्रा में उपस्थित हुई थी, जो शामिल हुई थी, उन सभी को यहाँ पर भोजन करवाया जा रहा है, उन सभी को प्रसाद खिलाया जा रहा है माँ के प्रांगण में। और साथ में उससे ऊपर जहाँ तक बात करें ब्राह्मण के और जो छोटे छोटे बट्टू की, वो सभी लोगों को यहाँ पर भोजन करवाया गया है माँ के प्रांगण में। आइए हम जानते हैं यहाँ के जो मैनेजर हैं कार्यालय के, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह का यहाँ पर आयोजन होता है और आज का क्या महत्व है। श्यामा नाम गुंडवा यज्ञ 1988 ईस्वी से, और यह श्यामा नाम गुंडवा यज्ञ 27 नवंबर को प्रारंभ हुआ, जिसका समापन 6 दिसंबर को कल होने जा रहा है। और आज ये नाम धुन का 9वें दिन है। भगवती श्यामा का नवम शीर्ष धात्री चौ, इन 9वीं तिथि पर कुमारी कांडियाँ बटुक भोजन और देवी भोजन काफ़ी प्रोग्राम चल रहा है दरबार में। तो भगवती स्वरूपा ये कुमारी कांडियाँ देवी भोजन और बटुक भोजन और ब्राह्मण भोजन, यह सभी साथ साथ हो रहा है, जो कि 1008 कुमारी कांडियाँ कलश उठाई थी, उसी तरह 1000 कुमारी कांडियाँ 1008 कुमारी कांडियाँ को यहाँ से भोजन कराया जा रहा है। उसी तरह बटुक भोजन और ब्राह्मण भोजन और देवी भोजन भी चल रहा है, और इससे भगवती प्रसन्न होती है, क्योंकि भगवती का स्वरूप या भगवती का स्वरूप जो है, या जो कांडियाँ है, या देवी रूप है, या भगवती का रूप है, भगवती बहुत प्रसन्न होती है और प्रसन्नता से सभी भक्तों का आशीर्वाद देती है। और यह शमशान भूमि में भगवान शिव के वक्षस्थल पर विराजमान यह श्यामा सबको आशीर्वाद दे रही है। यह मिथिला का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में यह श्यामा मंदिर जो अपनी ख्याति प्राप्त कर चुकी है, इसमें हम सभी श्यामा भक्तों को, सभी कुमारी कन्याओं को, देवियों को और ब्राह्मणों को, यह श्यामा भक्तों को हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मैया को सबको भरपूर आशीर्वाद दे, जो आपके चरणों में सभी लगे रहे। प्रबंधक महाश्यामा मंदिर न्यास समिति दरभंगा। रमेश झा, हम नवा यज्ञ समिति के संयोजक हैं और न्यास कमिटी के हम मेंबर हैं। यहाँ पर मैं कुमारी कन्याओं में कोई जाति बंधन नहीं है, सभी जाति की कुमारी कन्याएं 1000 से 2000 के बीच में 11 बजे से लेकर के 2 बजे 3 बजे तारे तक है। इसके साथ ही उसके माँ भी आ रही है, उसको प्रसाद पाने में कोई रोक टोक नहीं है। एक दिन पहले आधा नौमी है, 8वें दिन हम लोग सभी के यहाँ पेपर के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, हर एक संचार के माध्यम से खबर देते हैं कि आप लोग जो है सो आइए। सभी जा रहा है, वो दिव्य रूप में भगवती का स्वरूप है। हम लोग समझते हैं कि भगवती स्वयं भोजन कर रही है, यही चीज।